एक दो, तीन नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि तवया हिंदू भूमे सुखों वर्धितो हम आई नो में हम वर्धितो पुण्य भूमे तुदर्थे महा मंगले, तुदर मंगले तुदर शकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता शक्तिमन इमे सादरन् त्वान्नमो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहीशक्तिम् सुशीलं जगद्ये नम्रं भवे श्रुतञ्चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतं सुगङ्कारये परं साधनन्नामवीरव्रतम् तदन्तस्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा विजेत्री न संहता कार्यशक्तिर् कार्यशक्तिर। विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वै भवन्तु स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वा समर्थिशाते भारत माता की जय हम सभी के समक्ष ध्वज की मान वंदना के प्रशिक्षण का एक डेमोस्ट्रेशन एक प्रदर्शन दंड हमारी भारतीय परंपरा में दंड का एक अत्यधिक प्राचीन शस्त्र माना गया है जो मुख्यतः सभी घरों में मिलता ही है कलाइयों का प्रयोग कर दंड का कुशल संचालन करते हुए शिक्षार्थी अलग अलग दिशाओं में मार लगाना गति से मुड़ना अलग अलग दिशाओं से आ रहे दुश्मनों को मारना ऐसी परिस्थिति जब चारों दिशाओं से शत्रु उनसे युद्ध करना अपने भुज बल का प्रयोग कर आगे बढ़ते हुए शत्रु को एक ही आघात में शरीर के मर्म स्थल यानी सूर्य चक्र पर आघात लगा करके एक ही आघात में शत्रु को मार गिराना ये था दंड संप्रेरणार्थ संकल्प त्वराचा सहज क्रिया स्वयं प्रेरणा से संकल्प लेते हुए और विद्युत की गति से वार करना घात करना सहज क्रिया इतना अभ्यास एक ही क्रिया का कर लेना कि वो अपने शरीर को सहज रूप से आने लगे शरीर के अन्य अन्य मर्म स्थलों पर किस प्रकार आघात कर शत्रु को धूल चटाई जा सकती है सिंह की तरह आगे बढ़ते हुए अपनी भुजाओं का पूरी तरह से प्रयोग कर एक ही वज्र आघात से शत्रु को धूल चटा देना मार गिरा देना युद्ध यह भारत की युद्ध कला कलरी पेयटू से उसी का ही एक अन्य रूप है जो एक विरुद्ध दो अब एक विरुद्ध अनेक कैसे एक अनेकों शत्रुओं को मारने का साहस रखता है इन आघातों को शरीर के मर्म स्थलों पर मारकर वह इनसे बचा किया जा सकता है अधर्म पर धर्म की विजय और सत्य पर सत्य की विजय हो ऐसा भाव मन में लेकर आगे बढ़ते हुए आगे भी पीछे भी यदि शत्रु हो तो किस प्रकार उससे लड़ा जा सकता है इसका एक छोटा सा प्रदर्शन शत्रु यदि चारों दिशाओं से आ रहा हो तब किस प्रकार इस यष्टि का उपयोग कर हम सूर्य चक्र पर भेद लगाकर शत्रु को एक ही आघात में धूल चटा सकते हैं कहते हैं कार्य सिद्धि का प्रथम गुण उत्साह ही है संघ में खेलों के माध्यम से संस्कार दिया जाता है खेलों से गुण गुण से गुण गुण निर्माण व्यक्ति से राष्ट्र निर्माण की ओर ले जाता हुआ यह विषय किस प्रकार साहस का निर्माण और कमांडो कूद के माध्यम से देख सकते हैं शरीर की सिद्धता शरीर का संतुलन और टीम कोऑर्डिनेशन हम यह तीनों चीजें यहां खेल में देख सकते हैं एक परिचय संगठन में शक्ति है इस खेल के माध्यम से देते हुए सभी शिक्षार्थी शरीर की सिद्धता संतुलन बनाते हुए पिरामिड रचना का निर्माण करना तो ये था खेल का प्रदर्शन घोष घोष पर रचना भूप का वादन यह रचना भूप राग पर आधारित है और एक नई व्यू रचना का निर्माण वादन करते हुए शिक्षार्थियों ने किया परम पवित्र भगवा ध्वज माननीय प्रांत संघ चालक डॉक्टर अनिल जी और आज के इस अपने समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए आए हुए वैसे तो हमने यहाँ पर लिखा है मुख्य अतिथि श्री संजय बेनीवाल जी लेकिन मुझे लगता है उनको आज के बाद हम लोगों ने अतिथि नहीं अपने परिवार का सदस्य ही मानना है क्योंकि वो जिस ढंग से मैं देख रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज जब आप लोग शारीरिक कर रहे थे तो अपने लिए तो सामान्य बात है दंड ये वो अब हमारे यहाँ तो ताली वाली बजती नहीं है लेकिन वो यहाँ पर बैठे हुए ही संजय जी जो है यहाँ पर बैठे ही आराम से ऐसे ऐसे ताली बजा रहे थे मैं तभी समझ गया कि आज के बाद संजय बेनीवाल जी अतिथि नहीं हमारे संघ परिवार के सदस्य हो गए हैं बहुत उच्च स्तर की आपने पुलिस सेवा की है और तिहाड़ जल के अनुभव भी हमारे को आने से पूर्व बता रहे थे ऐसे एक योग्य व्यक्ति आज हमारे यहाँ हैं इसके लिए हम भी धन्यवादी हैं उनके श्रीमान वीरेंद्र नागपाल जी हमारे इस वर्ग के वर्गाधिकारी उतने ही सम्मानित यहाँ पर उपस्थित प्रांत के क्षेत्र के अधिकारीगण और बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित बंधु अन्याय हुए बंधु और माताएं बहनें और कुछ मात्रा में छोटे बच्चे भी हैं भाई बाद में नाराज ना हो जाएं कहती जी आपने हमारे को बुला दिया तो वो भी दिख रहे हैं ये संघ शिक्षा वर्ग का पंद्रह दिवसीय अपने वर्ग का अभी का समापन कार्यक्रम है संघ शिक्षा वर्ग है वास्तव में ये व्यक्ति निर्माण की एक साधना है यहां एक छोटा रूप हमारे को दिखाई दे रहा है और संजय जी आपको भी मैं जानकारी दे दूं कि ऐसे वर्ग सारे देश में चल रहे हैं। जिस मणिपुर में यह सारा चल रहा है पीछे चलता रहा उस मणिपुर में भी इस बार कैंप लगा है और अपने यहां गुजरात हो तमिलनाडु हो केरल हो अथवा ऊपर जम्मू कश्मीर हो सब स्थानों पर ऐसे वर्ग लग रहे हैं हजारों स्वयं सेवक ये संघ शिक्षा वर्ग और फिर कार्यकर्ता विकास वर्ग एक कार्यकर्ता विकास वर्ग तीन इनमें पंद्रह दिन का और बीस दिन का और पच्चीस दिन का ये कठोर परिश्रम करके प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं काफी कठिन दिनचर्या रहती है स्वयंसेवकों को नहीं लगता है क्योंकि हम तो इसके अभ्यासी हो गए बाहर के एंगल से देखेंगे तो प्रातः काल चार बजे उठना और रात्रि साढ़े दस तक विश्राम दिन में जब अड़तालीस डिग्री टेम्परेचर चल रहा हो उस समय पर और फिर जैसा बताया भी है और हम सब तो जानते हैं सभी ने अपना शुल्क दिया है सभी ने अपना किराया लगाया है सभी ने अपना गणवेश रखा है मैंने जी मेरे से पूछ रहे थे वो किसने दिया है मैं किसी ने नहीं देते यहां तो उधर से ही उधर जाता है समर्पण निधि और हो जाती है ये राष्ट्र साधना संपूर्ण भारत में गत निन्यानवे वर्षों से चल रही है अगले वर्ष हमारा शताब्दी वर्ष आ रहा और इस निन्यानवे वर्ष की साधना का परिणाम है कि भारत का नहीं संपूर्ण विश्व का ऐसा अनुशासित स्वयंसेवी संगठन खड़ा हुआ है भारत का आज कोई ऐसा जिला नहीं है जिसके अंदर संघ की शाखाएं ना हो हमारी और अब तो लगभग नब्बे पिचानवे प्रतिशत ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर हमारी संघ की शाखाएं हैं एकत्रीकरण है बाकी कुछ होगा मेरा ख्याल है कि तिहत्तर हजार से अधिक पिछली बार हमारी शाखाओं का वृत्त आया है और अगर साप्ताहिक मिला लें तो लगभग एक लाख स्थानों पर हम संपूर्ण देश में यह राष्ट्र साधना कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं केवल एक ही वो प्रार्थना में अंतिम उसमें बोलते हैं परम वही भवन ने तुम्हें तस्व राष्ट्रम इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाए बस यही जिनके मन में इच्छा है कार्य कार्याय बद्धा कटियम यही जिनके मन में विचार है कुछ यहां से वापिस में चाहत की इच्छा नहीं जिनकी चाहत की इच्छा है उनका यहां पर एंट्री या तो वैसे बैन होती है या मानसिक रूप से हो ही जाती है ये समर्पण की एक तरफ गाथा है विश्व के इतिहास में भी कहीं ऐसी साधना होती होगी जैसी यहां हो रही है कह नहीं सकता मैं कोई इतिहास का बहुत वेता तो नहीं हूं किंतु हां यह निश्चित है कि इस समय पर तो भारत में सहित विश्व भर में इस प्रकार का योग्य देशभक्ति से भरपूर अनुशासन से भरपूर समर्पण से भरपूर ऐसा वर्गों का क्रम और उसके परिणाम स्वरूप ऐसा एक व्यापक कार्यकर्ताओं का नेटवर्क किसी और को उपलब्ध नहीं इस सारे का विचार का प्रक्रिया ये देशभक्ति के एक वाक्य में ही समाहित हो जाती और जब हम करने लगते हैं तो हमने कहा कि इस वर्ष के आगे के हम जब क्रम तय करते हैं तो यहां पर चित्र भी लगे हुए हैं हमने कहा समाज में परिवर्तन के लिए हम पांच बिंदुओं पर इस बार अपने आप को एकाग्र करेंगे इसको कहा हमने पंच परिवर्तन कैसे हैं पहला है सामाजिक समरसता दूसरा कुटुंब प्रबोधन तीसरा पर्यावरण संरक्षण चौथा नागरिक कर्तव्य और पांचवां स्वदेशी सामाजिक समरसता वास्तव में यह एक स्वाभाविक स्थिति है समाज समरस होना इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए यह होना ही चाहिए शरीर का स्वस्थ रहना शरीर के अंगों का आपस में समन्वय रहना शरीर के अंग आपस में समरस रहना यह एक स्वाभाविक स्थिति है किंतु कभी कभी इसमें दोष आता है बुखार हो जाता है एक अंग दूसरे अंग के तरह से समन्वय में काम नहीं करने लगता कोई मानस में कहीं प्रॉब्लम होती है भारत का समाज विश्व के प्राचीनतम देशों में से है इतना बड़ा देश विश्व की सर्वाधिक आबादी पहले तो कहते थे चीन हमारे से शायद थोड़ा ज्यादा होगा अब तो चीन भी हमारे से ज्यादा नहीं है विश्व की सबसे बड़ी आबादी 141 करोड़ से कुछ अधिक हमारी विश्व की लगभग 805 करोड़ आबादी में से हम 17.6 प्रतिशत लोग विश्व का सबसे युवा देश हजारों साल से चलते आने के कारण से और इसका स्वरूप बड़ा विराट होने के कारण से आज उसमें कुछ विकृतियां आ गई देश बड़ा पुराना कहीं पहाड़ है मैं अभी लद्दाख उधर अपने कार्यकर्ता होकर आए जम्मू कश्मीर लद्दाख के इतने ऊंचे पहाड़ हैं तो नीचे दक्षिण में हमारे समुद्र की सारे प्रांत हमारे समुद्र से लगते हुए उधर मणिपुर और इम्फाल और त्रिपुरा के उधर के प्रांत और इधर गुजरात का इलाका विभिन्न बोलियां विभिन्न वेशभूष भूषाएं भूश हमारी ये विभिन्नता है। हमारी अनेकता है ये हमारी सुंदरता है किंतु उस सुंदरता को उस अनेकता को कुछ कारण से कुछ हमारी आंतरिक कमजोरी कुछ बाहर के समाज के हमारे शत्रुओं की कार्रवाई कि समाज में विभेद उत्पन्न हो गए वास्तव में विभेद नहीं है उत्तर के लोग गोरे हैं दक्षिण के लोग काले हैं ये भेद का विषय है क्या ना हमारी भाषाएं अलग अलग हैं लेकिन भाषाओं के पीछे का भाव एक है मतपन अलग अलग हैं लेकिन हमारा धर्म हमारा ईश्वर ये एक है उसमें कोई प्रकार नहीं खाने पीने के व्यंजन में थोड़ा फर्क हो सकता है मैं दक्षिण भारत जाता हूँ तो इडली डोसा के अलावा रोटी मिलनी मुश्किल हो जाती है और हमारे सुंदरम जी जो वो आते हैं तो वो आगे हमे को कहते हैं सती जी मुझे पंजाबी रोटी खिला दो कहीं मैं यहाँ पर आया हूँ यहां उनको चावल तो बड़े सामान्य लगते तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग वेशभूषा अलग अलग खान पान अलग अलग बोल, बोल, बोलियां अलग अलग रीति रिवाज लेकिन उसके अंतरंग का भाव एक है जब मैं जम्मू कश्मीर में प्रचारक था जिस भक्ति से वहां के पहाड़ के लोग शिव की भक्ति करते थे जब तमिलनाडु जाता हूं उसी भक्ति से लोग वहां भी शिव की पूजा कर रहे होते हैं जब राम मंदिर का अभियान चला तो ऐसा नहीं हुआ कि केवल उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत से लोग आए हों संपूर्ण भारत से केरल हो कर्नाटक हो आंध्र प्रदेश हो तेलंगाना हो क्यों राम हम सबके शिव हम सबके कृष्ण हम सबके ऐसे एकात्म समाज में विकृतियां आई छुआछूत की विकृतियां आई भेदभाव की और क्योंकि लगातार हम लगभग 800 साल तक संघर्ष कर रहे हैं पर धर्मियों से इस्लामिक्रांताओं से और बाद में अंग्रेज डचिस फ्रेंच इन सब से स्वाभाविक है जब आप लगातार लड़ रहे हैं तो उस समय पर कुछ घाव होने कुछ विकृतियां होनी हो ही जाती हैं उसमें से उत्पन्न हुआ कि ये जाति बड़ी ये जाति छोटी ये क्या नाम ऊंच ये नीच अपने ही घर के लोगों को ये कैसी विकृति आई किंतु आ गई हालांकि जैसे ही ये विकृतियां आई हमने अपनी इंटरनल इसकी केयरिंग करनी शुरू की एक से एक हमारे मंदिर हमारे गुरुद्वारे उन्होंने इस प्रक्रिया को ठीक करना शुरू किया बाबा नानक आए उन्होंने बोला अवल्ले नूर पाया कुदरत दे सब बंदे एक नूर तो सब जग उपजो कौन पले कौन मंदे कौन पले लीजिए ज्ञान व्यक्तिया ज्ञान पूछिए विद्युता पूछिए जाति क्यों पूछते हो भाई 1966 के उडुपी का वर्ग हुआ विश्व हिंदू परिषद ने आयोजित किया देश भर का संत समाज वहां इकट्ठा हुआ देश भर के साधु संत श्रेष्ठतम समाज श्रेष्ठ उन्होंने एक साथ वहां घोषणा की हिंदवा सहोदरा सर्वे ना हिंदू पति तो हिंदवास हिंदवा सहोदरा सर्वे सभी हिंदू एक भाई जैसे होते हैं ना हिंदू पतितो भवेत कोई हिंदू पतित नहीं होता छोटा बड़ा नहीं होता कैसा ही जानता है राष्ट्रीय स्वयं संघ के तृतीय सरसंघ चालक परम पूजनीय बाला साहब देवरस उन्होंने और आगे बढ़कर घोषणा की यदि भारत में छुआ छूत पाप नहीं है भारत में या दुनिया में छुआ छूत पाप नहीं है तो कुछ भी पाप नहीं है यानी कितना बड़ा पाप है ये अपने महापुरुषों के ऐसे सतत प्रयत्नों के कारण से आज देश में फिर से सामाजिक समरसता का एक वातावरण बन रहा है कुछ टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो गया कुछ विकास की प्रक्रिया हो गई आज जो सामाजिक समरसता का कोई कहता भी है कि गड़बड़ है तो शुद्ध पॉलिटिक्स है और वो स्वार्थी कारणों से कुछ वैचारिक विरोधी ये फैलाते हैं अन्यथा वास्तव में समाज ने अपनी इस कुरीति पर विजय प्राप्त कर ली है आज जब मैं मेट्रो में जाता हूं या रेलगाड़ी में जाता हूं या हवाई जहाज में जाता हूं कोई ये नहीं पूछता अरे भाई साहब आपकी जाति क्या है आप बड़ी जात के हैं ऊंची के हैं कोई मंदिर है हमारे यहाँ कार्यालय स्वदेशी का कार्यालय साथ में मंदिर है मैंने नहीं देखा हालांकि मुझे मालूम है कोई तीन चार बंधुओं के बारे में वो अनुसूचित जाति वर्ग के हैं मेरे को आज तक कभी बारह साल हो गए कभी देखा नहीं किसी ने उनसे पूछा अरे भाई आप भाई साहब आप कौन सी जाति के हैं भारत ने हिंदू समाज ने अपनी इस बीमारी पर वास्तव में विजय प्राप्त कर ली है और जो कुछ छोटा मोटा बचा भी है तो इस प्रक्रिया में धीरे धीरे करके आ जाएगा तीन सौ साल का प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में थोड़ा समय लग रहा है लेकिन उसके बारे में फिर भी जो बोलते हैं तो वास्तव में पॉलिटिकल कारण से बोलते हैं उनसे हमारे को सावधान भी रहना होगा दूसरा विषय हमने कहा कुटुंब प्रबोधन का भारत की परिवार व्यवस्था यह विश्व की सर्वोत्तम परिवार व्यवस्था मानिए वैसे तो परिवार जो है यह प्राकृतिक व्यवस्था है मैं परसों अपने कार्यालय पर खड़ा था आर के पुरम के पीछे मैंने देखा एक बिल्ली अपने दो बच्चों को एक एक को उठा के वहां ले जा रही मैं कह इस बिल्ली को भी अपने दोनों बच्चों की चिंता है ये बिल्ली मां है दो उसके बच्चे हैं यह परिवार की प्रारंभिक प्रक्रिया इस जीव में भी है आप गाय के खड़ी और उसके बछड़े को जरा छेड़ दीजिए देखिए गाय वैसे मारती नहीं लेकिन बछड़े को छेड़ा तो गाय जरूर मारेगी आपका प्राकृतिक व्यवस्था है यह श्रेष्ठ है होनी चाहिए हमारे को इस बात का गर्व है कि विश्व के 200 देशों में यूरोप हो अमेरिका हो एशियन बाकी कंट्रीज हो चाइना हो जापान हो, कोई भी हो अगर परिवार व्यवस्था कुटुंब व्यवस्था कहीं पर सबसे मजबूत है तो भारत में माता पिता के प्रति दृष्टिकोण दादा दादी के प्रति दृष्टिकोण बहुत तो नहीं करता हूं एक छोटा प्रसंग पुराना जरूर सुनाता हूं सर आशुतोष मुखर्जी श्यामा प्रसाद पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनका 6 जुलाई को जन्मदिन आने वाला है उनके पिताजी भारत के श्रेष्ठतम व्यक्तियों में से उनको सर की उपाधि उस समय मिली वे चौतीस वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने दो बार कुलपति रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने इतनी छोटी उम्र में गवर्नर ऑफ इंडिया के साथ उनको दोस्ती थी बैडमिंटन उसके साथ खेलता था, था। केवल एक भारत का व्यक्ति थे जिसके साथ गवर्नर क्या नाम है उस समय का अंग्रेजों का गवर्नर बैडमिंटन खेल के उसको दोस्त मानता था एक दिन उसने कहा गवर्नर जनरल ने मिस्टर आशुतोष हां देर इज मीटिंग इन द लंडन आई हैव टू गो इश्यूज आई हैव टू डिस्कस यू हैव टू गो विद मी तुम्हारे को मेरे के साथ चलना पड़ेगा मेरा अपना ही विमान जाने वाला है महारानी विक्टोरिया के साथ मैं चाहता हूं कि तेरे को मैं इंट्रोड्यूस कराऊं मैं महारानी को बताऊं कि देखो भारत में भी कैसे टॉप ब्रेन है तो उन्हें कहा हाँ ओके फाइन यू हैव इनवाइटेड मी उन्हें बुलाया है बट लंदन जाना है उन्होंने कहा हाँ लंदन जाना है ठीक तो है देखते हैं थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी वट प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या होगी आई एम गवर्नर जनरल मैं तुम्हारे को लेकर जाऊंगा मैं खुद इन्वाइट कर रहा हूँ प्रॉब्लम क्या होगी उन्हें कहा नहीं प्रॉब्लम वैसी नहीं है प्रॉब्लम ऐसा है मुझे जरा माँ से पूछना पड़ेगा और इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है कि माँ से पूछना पड़ेगा देन उनका हमारे उसमें माँ का वो है तो माँ हो सकता है इनकार कर दे क्या माँ क्यों इनकार करेगी क्या हमारे धर्म में ऐसा माना जाता है कि समुद्र पार करना दोष है तो इतनी बात तो समझ में नहीं आई उसको समुद्र पार करना दोष है ये क्या चीज़ होती है उन्हें कहा अरे लेकिन तुम्हारी मदर कितनी बड़ी है तो उन्हें कहा नहीं पढ़ी पूढ़ी का सवाल नहीं है वो मेरी माँ है इसमें क्या बात है ना नहीं कितनी बड़ी है उन्हें कहा नहीं पढ़ी पुढ़ी ज़्यादा नहीं हो पांच सात जमा जमात पास होगी एंड यू आर द क्या नाम है हाई कोर्ट जज ऑफ द कोर्ट उन्होंने कहा हाँ यस धन उन्हें कहा टेल टू यूर मदर अपनी माँ को कहो मैंने गवर्नर जनरल ने कहा है तुम्हारे को मेरे साथ लंदन जाना है <laughs> तो आशुतोष माइम कहते हुए अगर ये मैंने कह दिया तो फिर तो बिल्कुल ही काम खत्म हो गया उन्हें क्यों फिर तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते उन्हें क्यों क्या देखते क्या देखते क्या मतलब उन्होंने कहा अगर मेरी मां ने इनकार कर दिया तो, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछते हैं देन हुम यू विल ओबे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उनका राज अंग्रेजों का वो पूछ रहा है तब मेरे को मानोगे या अपनी अनपढ़ मां को आशुतोष मुखर्जी ने एक सेकेंड भी बिना रोकेगा कोर्स माय मदर मैं अपनी मां को मानने वाला हूं और वही हुआ अगले दिन जाके उन्हें कहा गया मां ऐसे ऐसे वो कह रहे हैं साहब कह रहे हैं क्या नाम है लंदन जाना है पागल है समुद्र दोष लगता है कमला कहीं का खबरदार जो गया तो बस अब मां ने कह दिया खबरदार जो गया तो ये तो चीफ जस्टिस गया गया गवर्नर जनरल ये है भारत की परिवार परंपरा और ये तब से लेकर आज तक है और इसके कारण से ही भारत विश्व में अपनी सभ्यता को बड़े आगे तक ले जा पाया है समय की कमी होने कारण से विस्तार से नहीं जाता हूं किंतु इसके कारण से सामाजिक लाभ शारीरिक लाभ मानसिक लाभ बड़ी मात्रा में रहते हैं तीसरा है पर्यावरण का पर्यावरण के बारे में आजकल ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं क्योंकि संपूर्ण विश्व ने मान लिया है कि उन्होंने गत 200 वर्षों तक जिस विकास के प्रतिमान को आगे रखकर यह तथाकथित डेवलपमेंट किया है यह उनकी सरासर गलती है आज वही विकास उनके विनाश का कारण बना है हम यहां महसूस कर रहे दिल्ली में कितनी गर्मी अभी मेरे को वीरेंद्र नागपाल जी बता रहे थे कि वहां हज पैर करने के लिए गए यात्री 58 डिग्री टेम्परेचर हो गया एक हजार से ऊपर हज यात्री वहीं पर ही मर गए उनको उठाने वाला नहीं मिल रहा क्योंकि उनको हैंडल करना नहीं आ रहा बारिश मौसम अलग अलग समय पर हो रहा है बिल्कुल बदल रहा है और केवल हम नहीं कह रहे विश्व के आज 200 देशों के यूनाइटेड नेशन के में प्रतिनिधि इकट्ठे होते हैं तो आजकल उनकी सबसे बड़ी चिंता ही पर्यावरण है अरे भले आदमी पहले क्यों यह विनाश किया पहले क्यों जंगल काट काट के तुम लोगों ने अपनी सुख सुविधा के लिए अपने फर्नीचर बनाए आज कह रहे पेड़ लगाओ और अभी भी एसी से लेकर तुम्हारी वो रुकती नहीं है भोगवादी उनका चिंतन उसके कारण से वो रुकते नहीं है अधिकतम भोग की जो प्रक्रिया यूरोप अमेरिका और सारे उसमें फैल गई आज के पर्यावरण का दूषित होने का कारण वही है हम हम तो क्या हम तो भाई इस प्रकृति को माता मानने वाले लोग हैं भाई हम गंगा मैया को गंगा नहीं कहते उसे मैया कहते हैं जमुना को जमुना नहीं कहते जमुना माता कहते हैं सवेरे एकादद में हम बोलते हैं गंगा सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र श्री गंडकी कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदा महानदी ये माताएं है हमारी पीपल को पेड़ के पूजने वाले सवेरे हमारी बच्चे हमारी महिलाएं उठती हैं तो पहला काम वो तुलसी को पानी देती हैं हम तो प्रकृति का संरक्षण करना हमारे सैकड़ों वर्षों से है हमने जब विकास का मॉडल अपनाया 1500 साल तक भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा हमारे को पर्यावरण का संकट नहीं आया तुम सत्तर साल केवल क्या नाम विका, है विकास किए और विश्व को, को जो है आपने पर्यावरण के संकट में डाल दिया क्या मॉडल है आपका अब कहते हो पेड़ लगाओ अभी भी आपको पूरी तरह से अकल नहीं है इन विश्व के देशों को जो कमिटमेंट करते सीओपी टू में है, और कोपेन हैगन में किया उसको कमिटमेंट पूरा नहीं करते लेकिन हम भारत के लोग हम उनके कारण से नहीं क्योंकि हमारा चिंतन तो हजारों साल का ऐसा है इसलिए इस धरती को गंदा नहीं करना इन नदियों को गंदा नहीं करना पेड़ अधिकतम लगाना ही लगाना ऊर्जा उत्सर्जन बहुत अधिक नहीं करना जितना करना उससे अधिक पेड़ की व्यवस्था करना जल संरक्षण करना इसलिए अगर कहीं लाइट ज्यादा जल रही है तो अपने अधिकारी तुरंत नाराज होते हैं क्यों अधिक जलाई भाई कहीं पानी अगर ज्यादा बह गया तुरंत उसको बंद करना हिसाब तब यहां पर बताया गया कि यहां पूरे वर्ग में इस बात का ध्यान रखा गया कि सिंगल यूज प्लास्टिक ये नहीं होना चाहिए ठीक बात है यह छोटी छोटी व्यवहारिक चीजें अगर हम सब रखेंगे तो अपने पर्यावरण को संरक्षित करने में हम अपनी भूमिका निभा सकेंगे एक विषय आजकल विकसित हम कर रहे हैं नागरिक कर्तव्य का अधिकारों की बात तो सब जगह होती है देश जब आजाद हुआ तब से लेकर आज तक हर कोई अपने अपने अधिकारों की बात कर रहा है कर्तव्यों की बात तो हुई नहीं संयोग से संविधान में भी नहीं आई संविधान में आई उन्नीस सौ के आसपास जब ग्यारह कर्तव्य जोड़े गए इसमें अपने इस आ, प्रक्रिया में और वो ग्यारह कर्तव्य कैसे हैं? इस देश और समाज का मैं इतना खाता हूं इस देश समाज के कारण से मेरी पढ़ाई हुई इस देश समाज के कारण से मेरे को नौकरी मिली इस देश के कारण से मैंने वो अपने उद्यम चलाए अपना रोजगार किया अपना सब कुछ किया एक सुखी शिव जीवन व्यतीत किया इसके प्रति मेरा कोई कर्तव्य नहीं बहुत छोटी छोटी बातों में कोई पैसा नहीं लगना है पैसा भी जहां पर वह है वहां क्यों करना अनेक बंधु टैक्स करने के बाद जो टैक्स है उसको नहीं जमा कराते क्यों मैं लुधियाना में था एक कार्यकर्ता मेरे को कहने लगा कह जी मैं तो छोटा कारीगर हूं ये जो है मेरे ऊपर भी वैट उन दिनों में वैट था मैं वहां सहप्रांतर था की बात है ये मेरे पे भी वैट थोड़ी लगना चाहिए मेरे को तो वैट से बचाओ अब मेरे को तुम वैट से क्यों बचना चाहते हो क्या लगे ये बड़े बड़े लोगों का काम है हम छोटे लोगों का काम थोड़ी है मैं अगर बड़े बड़े लोगों का तो तुम भी बड़े बन जाओ भाई अगर बड़े लोग अगर देते हैं तो तुम भी बड़े बन जाओ लेकिन प्रमुख बात क्या है तुमका तुम्हारा अगर बिजनेस अब बढ़ना शुरू हुआ है तो तुम्हारे को टैक्स देना ही चाहिए टैक्स की प्रक्रिया को समझना चाहिए टैक्स की प्रक्रिया से डरना नहीं चाहिए और बाकी तो व्यवहारिक छोटी छोटी बातें हैं जब हम सड़क पर जा रहे हैं तो हेलमेट लगाना ये पुलिस के कारण से नहीं अगर लगा कि ये पुलिस वाला नहीं खड़ा है चलान नहीं होगा हम कहते हेलमेट यार बड़ा दुखी किया इसने आज पहले दिन तो जरा बिना हेलमेट के घूम ले क्यों भाई हेलमेट ये अपने सिर की सुरक्षा के लिए है या कहें कि नियम के लिए है या उस पुलिस वाले के लिए छोटी सी बात है मैं चंडीगढ़ में चला तो मेरे वो कार्यकर्ता का। हाँ। वो कहने लगा स्त्री जी हांको बड़ा अच्छा लगा स्त्री जी वो मैंने जो स्टार्ट ही नहीं कर रहा पहले सीट बेल्ट लगाओ मैं कुछ बात कर रहा था मोबाइल पे थोड़ा ध्यान नहीं किया मैंने कह स्त्री जी मैं गा, अरे गाड़ी क्यों नहीं चलाता थोड़ा मैंने गुस्से में कह दिया तो उसे कहा सी जी पहले बेल्ट लगाओ तब गाड़ी चलाऊंगा तो मैंने बेल्ट लगाई और बाद में उसको शाबासी दी उन्होंने कहा हाँ वैसे सी जी आपने शाबासी दे दी तो अच्छी बात है बाकी मैं आगे ना पुलिस वाला ही खड़ा रहता लेकिन अच्छी बात है ना कि कार्यकर्ता ने गाड़ी स्टार्ट बाद में की पहले कहा मुझे कि आप बैट लगाइए उसने तो खैर लगाई थी ये नागरिक कर्तव्य की छोटी छोटी बातें हम जा रहे हैं अपना कहीं तो भी अपना कोई वो खाया या बच्चे के लिए कोई चिप्स वगैरह का लिया वहीं का वहीं फेंक देते हैं क्यों भाई गली में कूड़ा फैल जाए सड़क पे कूड़ा फैल जाए हमारा कोई काम नहीं क्या सफाई कर्मचारी और कारपोरेशन वालों का काम है ये सहज कर्तव्यों की बात है देश समाज में कोई विपत्ति आई कोई एक्सीडेंट हो गया कुछ हो गया उस समय पर आप वहां पर खड़े हो गए ये नागरिक कर्तव्यों में से आता है नागरिक कर्तव्य ये कानून नहीं है ये भावना है ये अपने अंदर से आती है ये इनसाइड आउट है ये बाहर का कानून आप पे लादा ये नहीं है अंदर से है मेरी भावना है क्या इस देश और समाज को भी मैं अपने परिवार जैसा समझता हूं क्या अपने घर जैसा समझता हूं क्या यह प्रमुख बात है और फिर स्वदेशी व्रत का पालन उसकी तो आजकल चर्चा संपूर्ण देश में है बी वोकल फॉर लोकल तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं जितना हम स्थानीय खरीदेंगे उतना हम अपने देश का रोजगार और अपने देश की समृद्धि बढ़ाएंगे मेरे से कई बार पूछते हैं ये मोबाइल कौन सा है अपने देश का अपने देश में क्यों नहीं बनते आप कहते तो स्वदेशी की बड़ी बड़ी बातें हो तो कार की है, की है हम क्या करें होंडा की है और फ्रिज देखो फ्रिज में अपना मार्का केवल एक दो ही है हम क्या करें अच्छे अपने मार्के नहीं है मैं उनको कहता हूं बड़े भाषण देने की तो आवश्यकता नहीं है भाई मेरे को एक बार बताओ कार तुमने कितने दिनों में एक बार लेनी होती है आठ दस साल में एक बार लेता आदमी मोटरसाइकल कितने दिनों में लेते हो पांच छह साल में एक बार फ्रिज कितने समय में लेते हो चार पांच साल में एक बार मोबाइल कितने दिनों में लेते हो दो तीन चार साल में एक बार मैं कह इन बड़ी बड़ी आटमों को छोड़ दो देखेंगे उसका फर्क हिसाब कर लेंगे लेकिन मेरे को यह बताओ टूथपेस्ट ये तुम भारतीय कंपनी की या यहां लोकल ब्रांड की इसमें लेने में क्या दिक्कत है शैंपू साबुन हमारे को आदत पड़ी हुई है ये है हमारा सुरक्षा चक्र कोलगेट हेलो हमारे घर परिवार के बजट का पिचासी प्रतिशत उन आइटमों पे खर्च होता है जो हमारे यहां पर लोकल बनती हैं हमारे जिले में नहीं बनती होगी तो हमारे प्रांत में बनती होगी बस और उसमें सब प्रकार की भारतीय उपलब्ध है अच्छी क्वालिटी उपलब्ध है अच्छे सस्ते रेट पर उपलब्ध है हमारे स्वभाव में नहीं है अगर मूर्ति बनी हुई है और हमने दुकानदार से क्यों नहीं पूछना चाहिए कि भाई साहब ये मूर्ति चाइनीज तो नहीं है इसमें क्या दिक्कत है मान लिया आपको कार या मोबाइल नहीं मिल रहा कोई तो आपने कुछ कहा हम देखेंगे जरा उसका भी क्या करना लेकिन घर के प्रयोग होने वाली स्टेशनरी है पेन साबुन तेल शैम्पू आटा कारगिल कंपनी का आटा हम खाएंगे और कहेंगे देश की समृद्धि होनी चाहिए कारगिल अमेरिकन कंपनी है क्यों भाई आटा हमारे देश का नहीं बनता है। हमारे ही देश का हमारे यहां का ही बन के बस हमारे को ही वो करते हैं बस केवल पैसा वहां जाता है और स्वदेशी का दूसरा भाग भी है सांस्कृतिक स्वदेशी मान लो कुछ ये तो मामला एक है मैं गया था एक बार चित्रकूट वहां मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है वहां बहुत सुंदर राम गुफा बनी हुई है तो मेरे को कार्यकर्ता दिखाने के लिए ले गए जब वहां से निकले तो वहां पर एक विजिटर डायरी पड़ी थी उन्होंने कहा कि यहां जो प्रमुख लोग आते हैं प्रतिष्ठित लोग आते हैं वो यहां कमेंट लिखते हैं मैंने कहा मैं तो प्रतिष्ठित नहीं हूँ मैं तो संघ का प्रचारक हूँ और नहीं नहीं आप भी अब अखिल भारतीय अधिकारी आप लिख लीजिए यहाँ पर मैंने लिखने के लिए रजिस्टर जब देखा तो मैंने पिछला हिसाब तो अब देखा वहां बाईस लोगों ने मेरे से पहले वो किए थे अब राम गुफा है चित्रकूट में है पक्का है कि राम भक्ति कहा गए हैं हिंदू ही गए हैं किंतु 22 में से मैंने देखा केवल पांच हस्ताक्षर हिंदी में थे 17 हस्ताक्षर अंग्रेजी में कर रखे थे क्यों भाई क्यों नहीं हमारे को अपने हस्ताक्षर अपनी मातृभाषा में करने चाहिए बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं मोमबत्तियां बुझाना यह हमारी संस्कृति नहीं है भाई मोमबत्तियां जलाना या दिया जलाना यह हमारी संस्कृति है वैसे आजकल बड़ी मात्रा में इसमें शुरू हो गए अपने लोग मैं देखता हूं कि आजकल दिया जलाकर और मिठाई बांट के और अपने लोकल नृत्य वगैरह करते हुए करते हैं अभी काफी फैले से तो फर्क आ गया है लेकिन इसको ध्यान करना तो ऐसे हम पांच अगर इन व्रतों का पालन करते हैं सामाजिक समरसता कुटुंब प्रबोधन पर्यावरण संरक्षण नागरिक कर्तव्य और स्वदेशी भाव जागरण तो हम देखेंगे कि अपना देश और समाज के परिवर्तन में मेरी भी कुछ ना कुछ भूमिका होगी और सेवा करना समाज में एक सकारात्मक वातावरण के साथ आगे बढ़ना यह हर एक नागरिक का कर्तव्य है ही है स्वंसों में तो अवश्य होना ही होना चाहिए ध्यान करना आज भारत तेजी से प्रगति कर रहा है स्वंस को अपना सेवा भाव रखें स्वंस सक्रिय रहें सकारात्मक दृष्टि से रहें तो देखिए कैसा परिवर्तन होता है आज हमारे सेवा कार्य जरा ध्यान करना दिल्ली की बस्तियों से लेकर और त्रिपुरा के जंगलों तक चलते हैं हमारी सेवा भारती हो या बनवासी के आश्रम या हमारी बाकी सब संगठन एक एक का नाम नहीं ले रहा हूं मैंने भी पूछा दिल्ली में ही मलिन बस्तियों के अंदर या जो दूसरी छोटी बस्तियां हैं इनके अंदर साढ़े छह सौ हमारे सेवा कार्य इस समय पर चल रहे हैं और यह सेवा ये कोई परोपकार नहीं है सेवा अपनेपन के कारण से है घर के बुजुर्ग की सेवा करना या घर के क्या नाम है बच्चे को कुछ करना यह परोपकार नहीं होता है परिवार के कमजोर या परिवार में आवश्यक व्यक्ति को सहयोग करना यह पारिवारिक कर्तव्य होता है अगर नहीं करते तो गलती है इस बात को ध्यान में रखकर करें भारत के अब उठने की तो संभावना बन गई है भाई भारत अब विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को हम तैयार हैं भारत दुनिया में इस समय पर कभी हम भूखे रहते थे गेहूं और चावल अपने तक नहीं था आज विश्व में जितना भी चावल का निर्यात होता है चालीस प्रतिशत अकेले भारत से होता है विश्व में जो हमारे निर्यात हैं एग्रो एक्सपोर्ट ये फाइव लाख रुपीज करोड़ रुपीज के उसको पार कर गए हैं दुग्ध के उत्पादन में हम वर्ल्ड में नंबर वन बन गए हैं रक्षा उत्पादन बारह तेरा में रक्षा उत्पादन एक्सपोर्ट हमारे 500 करोड़ के थे 2023 में हमारे 21,500 करोड़ के हो गए हैं भारत तो इस समय पर विश्व के अंदर नेतृत्व करने की तैयारी में बड़ी भूमिका में उभर रहा है दिल्ली में हुआ जी हो जिसकी अध्यक्षता करके संपूर्ण विश्व में हम छाए और अभी अभी जी में हमारे प्रधानमंत्री को बुलाया हो विश्व अब ये मानने लगा है अगली शताब्दी अगले 25 30 साल जब भारत अपने 100 साल पूरे कर रहा होगा दो तक तब विश्व का नेतृत्व ये भारत ही कर रहा होगा ऐसे विश्व नेतृत्व करता के उसमें हम स्वयं सेवक हम कार्यकर्ता ये अपनी अपनी तैयारी करें अपनी अपनी भूमिका निभाएं आज संघ शिक्षा वर्ग के समापन दिवस पर इतना पर्याप्त